गुजरात चुनाव में राहुल गांधी के धुआंधार कैंपेन के असर से जहां बीजेपी परेशान है, वहीं कांग्रेस को इसका फायदा मिल रहा है। कांग्रेस अपने को मजबूत भी कर रही है। जो हवा गुजरात में बनी उसका फायदा तो वहां चुनाव के बाद ही पता चलेगा। वहां से कोसों दूर वाराणसी में इसका लाभ जरूर मिलता दिख रहा है। पीएम मोदी के गढ़ का एक जमीन से जुड़ा दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल होने जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को इस तरह के दल बदल की बेहद जरूरत है, जिससे मीडिया में उसी तरह की छवि बने जैसी पिछले लोकसभा चुनाव और 2017 की यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बनी, और इन्हें इलेक्शन में इसका फायदा भी मिलेगा। हालांकि नेताओं का दल बदल कोई नई चीज नहीं, लेकिन परसेप्शन की राजनीति में वर्तमान समय में ये हथकंडे कुछ ज्यादा ही अपनाए जा रहे हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने वाला यह नेता बनारस के बड़े मुस्लिम लीडर हाजी नसीर जमाल चिश्ती है, जो कभी सपा में बड़े नेता और टिकट के दावेदार रहे हैं, पर ऐसा चुनाव के वक्त टिकट काट देने के चलते नेताजी ने सपा को अलविदा कहकर बसपा का दामन थाम लिया। हालांकि उस समय भी उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं। अब वे कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। एसपी 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।